हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज और नई वीडियो आपके पास लेके आ रहे हैं। इसमें हम जा रहे हैं पिंडदान के लिए, इलाहाबाद, बनारस और गया। तो आपको ले चलते हैं हम इलाहाबाद, बनारस, गया, और पिंडदान कैसे होता है और वहाँ पहुँचते कैसे हैं, रास्ते कैसे हैं, जगह कैसा है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं, तुरंत हम लोग निकलते हैं इलाहाबाद के लिए। पहले हम जाएंगे इलाहाबाद, उसके बाद बनारस, फिर गया। तो जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आप देख रहे हैं लाल बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, और जितने जितने कोशिश कीजिए कि हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रवानगी करते हैं। और पिंडदान को अच्छी तरह से जानने के लिए और कैसे पिंडदान होता है यह देखने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे पिंडदान होता है। तो फिर आप कभी भी इलाहाबाद या बनारस या गया जाते हैं तो आपको और किसी से कुछ चीज़ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में, ट्विटर में और फेसबुक पेज, सारे लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जब चाहे हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हम ईमेल एड्रेस भी दे देते हैं आपको। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हम पहुंच गए हैं अभी इलाहाबाद में, और अभी इलाहाबाद में पानी बहुत कम है तो सब जगह कीचड़ कीचड़ है, और बरसात का भी समय है अभी तो थोड़ा कीचड़ बहुत ज़्यादा है। हम लोग जा रहे हैं अभी गंगा स्नान के लिए, उसके बाद आके ये पिंडदान करेंगे। अभी तो हमारे फादर इन लॉ आगे हैं, मम्मी साथ में हैं, चल रहे हैं। बाकी बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितना ज़्यादा भीड़ रहता है गंदगी उतना ही ज़्यादा रहता है। और हम लोग पहुंच गए हैं अभी नाव पे और जा रहे हैं हम लोग संगम के पास। संगम के पास जाने के बाद वहाँ स्नान करेंगे, फिर वहाँ से पिंडदान के लिए जाएंगे। और अभी तक दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मतलब लेना नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ जी, अगर आपको कुछ भी सुझाव चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। अब संगम में नहाने के बाद यहाँ आ गए हैं पिंडदान के लिए, पंडित के पास।
और यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब पहला स्टेप, क्योंकि पहला इलाहाबाद में करना है, उसके बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे बनारस के लिए। तो पहला स्टेप यहाँ हो रहा है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे बनारस। चलिए आप लोग देखिए कि कैसा होता है पिंडदान। अब हम निकल रहे हैं बनारस के लिए इलाहाबाद से। तो चलिए बनारस पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं बनारस में और ये बनारस एंट्री कर चुके हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। और अभी हम लोग बनारस पहुंचने के बाद अभी चल रहे हैं पैदल पैदल, कहां तक जाते हैं पता नहीं, मगर हम लोग धर्मशाला ढूंढ रहे थे यहां रुकने के लिए। धर्मशाला तो अपने को मिल नहीं रहा है यहां, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले घाट से ही हो जाए,
क्योंकि जिस पंडित से हम लोग बात किए थे, पंडा से, वो पंडा हमें कल सवेरे बुलाया है, तो आज रात कहीं ना कहीं तो स्टे करना पड़ेगा। रुकने के लिए हम लोग कहीं धर्मशाला ढूंढ रहे हैं, धर्मशाला तो मिल नहीं रहा है, देखते हैं कुछ होटल वोटल का बंदोबस्त हो जाए और उसके बाद कल सवेरे हम लोग पिंडदान के लिए जाएंगे घाट पे। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं, रूम अपना जुगाड़ करते हैं। हम पहुंच गए हैं बनारस के गलियों में, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हुए। आपको दिखाते हैं हम लोग कभी जा रहे हैं घाट की तरफ। टाइमिंग घाट बहुत दूर है, टाइमिंग अभी हो रहा है 6:30 AM। विश्वनाथ मंदिर कितना दूर है? हम लोग पहुंच गए हैं अभी घाट के पास, और सबसे पहले घाट के पास पहुंचने के बाद स्नान होगा, नहाना होगा, नहाने के बाद फिर पिंडदान के लिए बैठेंगे। तो चलिए फिर हम अभी पहुंच गए हैं हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में, स्थित है नया विश्वनाथ मंदिर जो महामाना मालवीय जी की स्थापित है। अब विश्वनाथ मंदिर BHU भी बोलते हैं इसको, और बिंडला जी द्वारा निर्मित है ये। हम पहुंच गए हैं अभी बनारस के त्रिदेव मंदिर में। यहाँ हनुमान भगवान, दादी रानी, सती देवी और खाटू जी महाराज को मंदिर के प्रमुख देवताओं की वजह से इस मंदिर को त्रिदेव मंदिर नाम दिया गया है। कहाँ से विश्वनाथ तक जाएगा? तो वहाँ से अपने को गाड़ी लेके जाना पड़ता है। हम पहुँच गए हैं अभी संकट मोचन मंदिर, और ये 80 नदी के किनारे स्थित है। इसे 1900 के दशक में स्वतंत्र सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। हम पहुंच गए हैं अभी बनारस के गंगा घाट के किनारे विश्वनाथ मंदिर में, और ये शिव भगवान का मंदिर है, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ मोबाइल कैमरा वैमरा ले जाना मना है, इस कारण बाहर से ही आपको दिखा रहा हूँ। अब हम निकल रहे हैं बनारस से, और हम जा रहे हैं अब गया बिहार। तो चलिए तो अब बिहार के लिए रवानगी करते हैं।
अभी हम पहुंच गए हैं गया और हम लोग जा रहे हैं घाट की ओर और यहाँ बहुत भीड़ रहता है। यहाँ क्या है, पहले जाके कूपन ऊपन कटाना पड़ता है। जिस भी पंडा को पकड़े हो आप लोग तो उस पंडे के पास जाके कूपन ऊपन, बाकी लूट तो बची हुई है। तो जो भी स्कीम रहता है पैसे का, आप मतलब स्कीम रहता है आप कितने का कराना चाहते हैं, जैसे हो गया 5,000 हो गया, 10,000 हो गया, 12,000 हो गया, 20,000 हो गया, ऐसा स्कीम रहता है। वो हिसाब से फिर आपको एक और पंडा मिलेंगे, आप उस कूपन को दीजिएगा, वो जाके आपको घाट के पास पूजा कराएंगे। तो चलिए चलते हैं। भारत और ये रहा हमारा इलाहाबाद, बनारस और गया का दर्शन। हमने तीनों जगह दर्शन कर लिए और पिंडदान भी कर लिए। अब यहाँ से हम लोग रवानगी ले रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के लिए। तो ये था अपना पूरा सीरीज कि आपको कैसे हम इलाहाबाद, बनारस और गया का जो भी पिंडदान है कैसा दिखाया जाए। तो हमारा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ भी अगर मतलब पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमें ईमेल कर सकते हो, या हमें इंस्टाग्राम में हमको मैसेज कर सकते हो। मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक में भी जा सकते हो। अगर आप ट्विटर में कुछ बोलना चाहें तो ट्विटर में भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।